हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन और आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको शिपिंग जब होती है तो कौन कौन से चार्जेस बियर करने पड़ते हैं, या इन शॉर्ट एक एक्सपोर्टर को कौन कौन से चार्जेस शिपिंग करने के टाइम बियर करने पड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक बात बताइए, चाहे मैं ड्राई पोर्ट का यूज़ करूँ या सी पोर्ट का यूज़ करूँ, ऑब्वियसली पोर्ट जो है सर्विसेज देने के अपने चार्जेस लेगा। वो कौन कौन से चार्जेस होते हैं, आप किसी भी पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपसे लोडिंग अनलोडिंग के भी चार्जेस लेगा, मेंटेनेंस के भी चार्जेस लेगा, स्टोरेज के भी चार्जेस लेगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के भी चार्जेस लेगा, लेबर के भी चार्जेस लेगा, और अगर गुड्स की मूवमेंट होती है, चाहे पोर्ट में एक बार सामान इधर रखा या दूसरी बार उसको ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि कहीं और शिफ्ट करना पड़ गया, वेयर हाउस के किसी कोने में शिफ्ट करना पड़ गया, तो वो सारे चार्जेस लेगा। ऑब्वियसली यार, एक बात बताओ, हमने जब सामान भेजा, ठीक है, वो पोर्ट के अंदर गया, पोर्ट का वेयर हाउस है, ऑब्वियसली जगह दे रहे हैं वो, तो वो चार्जेस तो देने पड़ेंगे। अब अगर मैंने सामान भेजा तो वो ट्रक से वेयर हाउस तक लाएगा कौन, वो लेबर लाएगी, वहाँ पे मैनुअल काम भी होता है, फॉकलिफ्ट से भी काम होता है, तो ऑब्वियसली चार्जेस लगेंगे, शिफ्टिंग के चार्जेस लगेंगे। एक बार तो माल आपका वेयर हाउस में आया, दूसरी बात कंटेनर में आपको डालना है, कंटेनर स्टफिंग करवानी है, तो वो भी चार्जेस होंगे, खुद सोचिए ना। उसके बाद सपोज़ कीजिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हाँ वेयर हाउस में माल आ गया, चलो यार पैलेट्स पैकिंग यहीं करा देता हूँ। अब आप पैलेट्स पैकिंग कराएंगे तो पैलेट्स पैकिंग के अलग से चार्जिंग होंगे, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करिए। अब ये चार्जेस देता कौन है, देखिए दोस्तों, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो FOB तक यानी शिप पे लोड कराने तक के जितने भी पोर्ट के चार्जेस होंगे वो एक्सपोर्टर बियर करेगा, ये ध्यान में रखना। अब आपको बताता हूँ कौन कौन से तरीके के चार्जेस होते हैं, कौन से चार्जेस एक्सपोर्टर बियर करता है और कौन से चार्जेस जो है इम्पोर्टर बियर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ हैंडलिंग चार्जेस कितनी तरीके के होते हैं। सबसे पहले एक हैंडलिंग चार्जेस होता है OTHC, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है, जिसकी फुल फॉर्म है ओरिजिनल टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस। ये एक्सपोर्टर पे करेगा, याद रखिए, ये एक्सपोर्टर पे करेगा, जिसमें लोडिंग अनलोडिंग मेंटेनेंस स्टोरेज और शिपमेंट तक का चार्ज होगा, यानी FOB तक का चार्ज आपका सारा इंक्लूड रहेगा। फिर इसके बाद एक और चार्ज होता है जिसको बोलते हैं DTHC, यानी डेस्टिनेशन टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, जो कि एक इंपोर्टर पे करता है, जिसमें लोडिंग मेंटेनेंस स्टोरेज और शिपमेंट जब इंपोर्टर के पोर्ट पे माल पहुंच जाता है, जैसे कि हमने यहां बात की डेस्टिनेशन टर्मिनल, तो डेस्टिनेशन कौन सा हो गया, डेस्टिनेशन इंपोर्टर का हो गया, तो ये चार्जेस इंपोर्टर पे करेगा। फिर उसके बाद है TTHC, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस। ये क्या होता है, जब आपके शिपमेंट को आप ट्रांसशिपमेंट के लिए हायर करते हैं, यानी एक वेसल से दूसरे वेसल पे जब माल शिफ्ट होता है, एक शिप से दूसरे माल पे जब शिप होता है, तो ये चार्जेस तब लगते हैं। स्टोरेज लोडिंग अनलोडिंग, इसमें भी वही चीज़ है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि ये चार्जेस कौन देगा, ये चार्जेस डिपेंड करता है आपके और आपके बायर की इनको टर्म्स पे, याद रखिए इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म। आपके और बायर के इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म कौन सी है, FOB है, CIF है, CFR है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, उस अकॉर्डिंगली ये चार्जेस कैलकुलेट होते हैं। यानी इन शॉर्ट, मेरे टर्मिनल के चार्जेस अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ मैं बियर करूँगा, और इम्पोर्टर का जो टर्मिनल है उसके चार्जेस मोस्टली वो बियर करता है, बाकी सारा खेल आता है इनको टर्म्स का। अगर आपको इनको टर्म्स की नॉलेज नहीं है तो दोस्तों ये नॉलेज ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर इनको टर्म्स की नॉलेज नहीं है तो आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनको टर्म्स के हमने बहुत से वीडियो डाल रखे हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं, आसानी से समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। और अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन, क्योंकि हम पोर्ट विजिट भी कराते हैं, इम्पोर्ट हाउस में भी आपको लेके जाएंगे, एक्सपोर्ट हाउस में भी लेके जाएंगे, क्लियरिंग का पूरा प्रोसेस आपको सिखाएंगे प्रैक्टिकली। यहाँ पे सारी क्लासेस जो होती है प्रैक्टिकल होती है, बायर कैसे मिलेगा, उसको कैसे ईमेल करना है, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाई जाएगी, तो ये भी आप सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। बिना सीखे इस ट्रेड को, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बिल्कुल मत करिएगा, ये मेरी एक छोटी सी सलाह है, आपसे बेकार में नुकसान कर बैठेंगे। तो दोस्तों, अगर कोई आपका सुझाव है, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए। हमें बताइए कि आपको किन सब्जेक्ट्स पे, किन प्रोडक्ट्स पे
वीडियो चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पे आपको एक वीडियो चाहिए, हम ज़रूर बनाएंगे और आपका ध्यान ज़रूर रखेंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।